हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। और हमारा आज का टॉपिक है पर्सनल प्रोनाउन। देखते हैं क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन। वेरी इजी। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो पर्सनल प्रोनाउन इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन, इसे कहते हैं सेकेंड पर्सन, पी फॉर पर्सन, क्योंकि यहां जगह ज्यादा नहीं रहेगी, और इसे कहते हैं थर्ड पर्सन। एकदम आसान भाषा में, ठीक है? तो समझने के लिए बहुत इजी तरीका है। देखिए, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मैं और हम, दुनिया का, लोग कहते हैं ना कि मैं ही नंबर एक हूं, तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कौन है? मैं और आई और वी। तो कौन कौन हो गया दुनिया का नंबर एक प्राणी? कौन हो गया? आई और वी। आई वी ये जो है फर्स्ट पर्सन है, आई और वी ये फर्स्ट पर्सन है। उसके बाद हमारे दोस्त जिनसे हम बात करते हैं, यानी तुम, ठीक है? और तुम यू वर्ग का जो भी है, यू है, योर है, या एक और शब्द है दाव, तेरा तुझको अर्पण, है ना, दाव। और सेकेंड पर्सन यानी थर्ड पर्सन यह है, इसमें जो रिमेनिंग है, चाहे वो ही हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो इट हो, चाहे वो दे हो, ठीक है, ईटीसी, किसी का नाम भी दे सकते हैं थर्ड पर्सन में, ठीक है, प्रॉपर नाउन है, राम, श्याम, गीता, ये। देखिए, अब समझ लो, ए है फर्स्ट पर्सन, ए है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन ने कॉल लगाई किसे? अपने मित्र सेकेंड पर्सन को, ठीक है? क्योंकि हर इंसान अपने आप में फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन ने कॉल लगाई अपने मित्र सेकेंड पर्सन को। यानी लोग कहते ना, हमसे गिरी वो आपने पाई, हमसे गिरी वो आपने पाई, क्योंकि आप हमारे दोस्त हैं, तो हम फर्स्ट पर्सन, आप हो गए सेकेंड पर्सन। और दुनिया का एक सत्य है, हम सब लोग मिलेंगे तो अपनी थोड़ी देर बात करेंगे, उसके बाद थर्ड पर्सन के बारे में ही बात करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ राम, मान लो यहाँ पर राम है और यहाँ पर ये श्याम है, दोनों मित्र हैं, राम फर्स्ट पर्सन है, श्याम सेकंड पर्सन है, ठीक है? अब ये थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है? तो ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकेंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। ये राम श्याम किसके बारे में? शिवराम के बारे में बात कर रहे हैं, गोपाल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है, तो राम, राम फर्स्ट पर्सन यानी मैं फर्स्ट पर्सन, मेरा मित्र सेकंड पर्सन, और मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो थर्ड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में आई और बी, उंगलियों पर पता होना चाहिए बिल्कुल, आई बी, यू सेकंड पर्सन, यू योर, योर्स, या यू योर और दाव, तेरा, ठीक है? उसके बाद थर्ड पर्सन में जो बचता है, ही, सी, इट, ठीक है, दे और किसी प्रॉपर नाउन। तो इस प्रकार से पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक सर्वनाम को हम देखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। नमस्कार, आज का वीडियो नहीं, नमस्कार।